दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का चैप्टर वन जो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के 1.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम बात करने वाले 1.2 के बारे में, 1.2 का बेसिक नॉलेज और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। चलते हैं दोस्तों बोर्ड की ओर। दोस्तों बात करते हैं इरेशनल नंबर की। उससे पहले हमने आपको पिछले वीडियो में रैशनल नंबर्स के बारे में और अदर नंबर्स के टाइप्स के बारे में बात की थी। रैशनल नंबर थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं कि जो नंबर p अपॉन q फॉर्म में लिख सके और q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन जो नंबर इस फॉर्म में ना लिखे जाए, ऐसे कई नंबर्स है डेली लाइफ के अंदर जिन नंबर्स को इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो क्या कहलाते हैं हमारे इरेशनल नंबर। तो हम बात करते हैं इन इरेशनल नंबर के बारे में। सबसे पहले किसने बताया था, तो 400 बीसी पूर्व यानी कि 400 ईसा पूर्व हिप्पास नामक एक मैथमेटिशियन था, दार्शनिक था, जिसे हिप्पेसस भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर। जो हिप्पेसस था ये कौन था, अ फॉलोअर ऑफ पाइथागोरस। पाइथागोरस का एक फॉलोअर था, पाइथागोरस का एक शिष्य था, इसने इन नंबर्स के बारे में बताया था। वैसे और भी के मैथमेटिशियन हुए हैं इसके बारे में बात करने वाले, जिसमें थियोडोरस भी था, जिसने रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट 17 तक की नंबर्स को क्या बताया है, इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, सॉरी ट्रू और फॉल्स, और विद जस्टिफाई योर आंसर। हमें अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है, रीजन भी देना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। दोस्तों हमने रियल नंबर के बारे में बात की थी, आपको पता होगा कि जो रैशनल और इरेशनल का जो ग्रुप बनता है, यानी कि जो रैशनल भी है और अलग टाइप के नंबर जो इरेशनल भी है, उन दोनों नंबर्स किस कैटेगरी में आते हैं, रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो ये कह रहा है कि जितने भी इरेशनल नंबर है चाहे वो सारे रियल नंबर है, तो हम कह सकते हैं यस, बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ रैशनल और इरेशनल, या इट इज अ सेट ऑफ रैशनल और इरेशनल, तो इट मींस दिस इज द ट्रू। ये क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। सेकंड है हमारा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। दोस्तों नाम सुना होगा नंबर लाइन, एक ऐसी लाइन जिस पर नंबर प्लॉट हो रखी हो, क्या कहलाती है हमारी नंबर लाइन। जैसे यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने, यहां पर अगर मैं नंबर प्लॉट कर दूं तो क्या कहलाएगी ये, नंबर लाइन। जैसे मैंने लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब ये क्या कहलाती है हमारी नंबर लाइन। ये कह रहा है कि देखो नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स होते हैं वो नंबर्स को काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइन को जब काउंट नहीं कर सकते, जब लाइन को मेजर नहीं कर सकते तो नंबर लाइन को भी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्फाइनाइट नंबर्स है, यहाँ पर कितने नंबर्स है, इन्फाइनाइट नंबर्स है। तो ये पूछ रहा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पर जितने भी पॉइंट होते हैं, देखो यहाँ ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, और इनके बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स है। ये क्या जितने भी पॉइंट्स है वो क्या हो, रूट एम के फॉर्म में हो, और एम यहाँ पर क्या नेचुरल नंबर है, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। मतलब जो रूट वन है, रूट टू है, रूट थ्री है, रूट फोर है, ये जितने भी नंबर्स है, कहने का इनके बीच में भी जितने नंबर्स है, उन सब नंबर्स को नंबर लाइन के फॉर्म में डिनोट किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये सब पूछना चाह रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं कह दूं ये रूट वन है, ये रूट टू है, ये रूट थ्री है, क्या ये पॉसिबल है दोस्तों, क्या ये सारे रूट वन के फॉर्म में हो सकते हैं, सारे रूट टू हो सकते हैं, नहीं हो सकते दोस्तों। कि जितने भी इरेशनल नंबर है वो इस टाइप से नंबर लाइन के सारे पॉइंट इरेशनल नहीं हो सकते दोस्तों, क्योंकि जितने पॉइंट्स होते हैं उनकी कुछ ना कुछ एक फिक्स वैल्यू होती है, और जिनकी फिक्स वैल्यू होती है वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो रैशनल नंबर होता अगर यहाँ पे 2/3 को डिनोट करना, तो इजीली हम कर पाते, जो हमने क्लास 8 तक सीख भी चुके हैं। अब बात करते हैं तो इसका ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, यानी कि फॉल्स हो गया ये हमारा। हम बात करते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन की, देखते हैं दोस्तों हमारे ट्रू फॉल्स का थर्ड पार्ट है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या जितने भी रियल नंबर है सारे इरेशनल होते हैं, क्या ये पॉसिबल है। रियल नंबर क्या होते हैं, जो रैशनल हो या और इरेशनल हो, क्या ऐसा पॉसिबल है दोस्तों कि ये रैशनल भी इरेशनल हो जाए, क्या पॉसिबल है, आई थिंक नो। इरेशनल ही इरेशनल रहेंगे, क्या रैशनल इरेशनल हो जाएंगे, क्या नहीं होंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की, बहुत ही अच्छा बेसिक क्वेश्चन है जो आगे के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काम आएगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों,
आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि जितने भी देखो इंटीजर्स क्या होते हैं, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, जीरो, वन, टू, थ्री, ये सब क्या है हमारे इंटीजर्स है। ये किसकी बात कर रहा है, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, कहने का मतलब ये केवल इनकी बात कर रहा है। तो आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या ये सारे इरेशनल है क्या? अगर इसका स्क्वायर रूट कर दूं, इसका स्क्वायर रूट कर दूं, इसका भी कर दूं, इसका भी स्क्वायर रूट कर दूं, क्या सारे इरेशनल हो गए? नहीं, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो, इसकी वैल्यू वन, इसकी वैल्यू टू, इनकी वैल्यू नहीं होती दोस्तों, मैं होती है लेकिन इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इरेशनल फॉर्म में होती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे आने वाले एक्सरसाइज के अंदर, जिसे हम कहते हैं इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखते हैं दोस्तों इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414 एंड सो ऑन, एंड रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732 एंड सो ऑन, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये सारे इरेशनल तो नहीं है ना, क्योंकि रूट फोर क्या ले सकते हैं, हम टू ले सकते हैं, यानी कि टू को ले सकते हैं हम टू अपॉन वन की फॉर्म में, कहने का मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो इसका मतलब सारे नहीं, अगर एक भी नहीं होता तब भी क्या कहते हैं, इसका आंसर क्या होता हमारा, फॉल्स होता। तो ये कह रहा है इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नो, क्यों, आर दी स्क्वायर, ये पूछ रहा है हमको कि क्या ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल होते हैं, हम कहते हैं नो। अब ये कह रहा है इफ नॉट, यदि नहीं, तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर, हम दे सकते एग्जाम्पल जैसे रूट जीरो, रूट वन एंड रूट फोर। इसने एक एग्जाम्पल की बात की है, हम आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं, यानी कि थ्री एग्जाम्पल मिनिमम दे रहे हैं, और भी एग्जाम्पल है रूट नाइन, रूट सिक्सटीन, रूट ट्वेंटी फाइव, इन ये सभी क्या है, इनके अगर रूट लगा दिया गया है, ये सभी पॉजिटिव इंटीजर्स है, लेकिन ये इरेशनल ना होकर क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है जीरो, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव। आई बात समझते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें करना है, सो हाउ रूट फाइव कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। अभी तक हमने जो भी नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है वो आ तक किया है, कहाँ तक किया है, रैशनल नंबर्स तक किया है, हम वन को कर सकते हैं, टू को किया है, माइनस वन को किया है, माइनस थ्री को किया है, टू अपॉन फाइव किया है, थ्री अपॉन फाइव किया है, लेकिन कभी भी हमने रूट वाले नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं किया है। तो आज हम सीखते हैं रूट फाइव को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें हम हेल्प लेते हैं हमारे एक बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन जिनका नाम है पाइथागोरस, और उससे भी पहले हमारे इंडियन मैथमेटिशियन जिनका नाम था बोधायन। तो देखते हैं बोधायन थ्योरम, क्या देखते हैं, बोधायन थ्योरम। इस बोधायन थ्योरम की हेल्प से हम क्या करेंगे, रूट फाइव को रिप्रेजेंट करेंगे कहां पर, नंबर लाइन पर। तो बोधायन थ्योरम, या इसे कोई कोई पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं, तो देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम क्या होती है थ्योरम। ये थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस थ्योरम को भी स्टार्ट करूं उससे पहले हमें एक बार और जनरल इंफॉर्मेशन ले लेनी चाहिए कि हाइपोटेनियस क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है। तो देखते हैं दोस्तों, जब भी बोधायन थ्योरम की हम बात करेंगे तो हम हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे, क्या बात करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल की। तो ये एक हमारा ट्राइंगल है जो कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये एंगल कौन सा है हमारा, राइट एंगल है। यदि नाम दे दूं इसे मैं ए बी एंड सी। अब जो राइट एंगल होता है उस राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है, कहने का मतलब इसकी अपोजिट यानी कि ये साइड, ये क्या कहलाती है हमेशा, हाइपोटेनियस कहलाती है। और जो नीचे वाली साइड है वो क्या कहलाती है हमारी, बेस कहलाती है। और जो ये हो गया, क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर। देखिए दोस्तों, परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर दोनों के ऊपर है। अगर हम इसे बेस मान रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, और इससे अगर बेस मान रहे हैं तो ये क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर होगा। हम नॉर्मली जनरल क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो हम नीचे वाले को लेते हैं बेस, उसे लेते हैं परपेंडिकुलर। ये डिपेंड करता है हमारे इस एंगल पर, हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। तो हमें पता लग गया हाइपोटेनियस क्या होती है, परपेंडिकुलर क्या होती है और बेस क्या होती है। अब हम बात करते हैं ये फाइव कैसे आएगा, ये जो फाइव है क्वेश्चन में कैसे आएगा। अगर मैं बेस क्या ले लूं, मैं वन ले लूं, क्या ले लूं मैं, बेस वन ले लेता हूं, क्या ले लिया मैंने, बेस वन। और जो परपेंडिकुलर ले लिया मैंने, टू ले लिया, क्या ले लिया मैंने, टू। मैंने टू सेंटीमीटर ले सकता हूं, मैं टू सेंटीमीटर ले सकता हूं, मैं मिलीमीटर ले सकता हूं, मैं इंच में ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं मैं यहां पर। मैं जनरली क्या ले रहा हूं, यहां पर
सेंटीमीटर में ले रहा हूँ, किसमें ले रहा हूँ सेंटीमीटर में, आप अपने कंपास की हेल्प से जैसा चाहे वैसा ले सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पर लिया है सेंटीमीटर में यहाँ भी सेंटीमीटर में लेना, यहाँ मीटर या मिलीमीटर या इंच में लिया है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भी लेना। तो देखते हैं दोस्तों हमने क्या किया, इस परपेंडिकुलर को कितना ले लिया मैंने, 2 ले लिया, यहाँ लिख दूंगा मैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2। वैसे यहाँ कर देंगे बेस, बेस भी क्या लेंगे हम 1, तो 1 का स्क्वायर। अब आपके मन में आ रहा होगा दोस्तों सर हम आपने अपनी मर्जी से कैसे ले लिया, हमने मर्जी से नहीं लिया दोस्तों, ये जो 5 है हमारा ये 5 कैसे बनता है थोड़ा सा हमें थिंक करना पड़ेगा। तो हम जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जर्व करना सीखेंगे तो हम इसको सीख जाएंगे कि हमें इसको कैसे लिया। तो देखते हैं दोस्तों जब हमने 2 का स्क्वायर किया क्या बन गया हमारा 4, 2 स्क्वायर मीन्स 4, एंड 1 का स्क्वायर किया क्या बन गया हमारा 1, हमें पता है 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर चल रहा है हमारा। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, जब स्क्वायर का हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा रूट, यानी कि स्क्वायर रूट, तो क्या बन जाएगा हमारा रूट 5, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज आएगा वो क्या आएगा रूट 5 आएगा, क्या आएगा रूट 5। दोस्तों देखो समझ में आया होगा कि जो रूट 5 कैसे रिप्रेजेंट होता है हमारे एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, लेकिन हमें क्या करना है सो हाउ कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, जो रूट 5 है हमें क्या करना है रिप्रेजेंट कहां पर नंबर लाइन पर। देखो दोस्तों नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समझाते हैं आपको। सबसे पहले दोस्तों एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, क्या कर लेते हैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल। तो ये नंबर लाइन ड्रॉ कर चुके हैं हम, यहां मैं ले चुका हूं एक पॉइंट 0, यहां ले चुका हूं मैं 1, यहां ले चुका हूं मैं 2। देखिए दोस्तों ये हमें स्केल की हेल्प से लेना है, ये हमें स्केल की हेल्प से लेना है और बराबर पार्ट में लेना है, ध्यान रखिए दोस्तों। ले लिया मैंने यहाँ पर 3 एंड सिमिलरली सो ऑन, हमें पता है जो रूट 5 की वैल्यू है लगभग 2 और 3 के बीच में होती है। देखते हैं दोस्तों सबसे पहले क्या करता हूँ मैं इस रूट 5 को बनाने के लिए इस ट्राइंगल को मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये कैसे ड्रॉ होगा, बेस लेता हूँ मैं 1, परपेंडिकुलर लेता हूँ मैं 2। तो मैंने ये जो बेस ले लिया यहाँ पर 1 ले लिया है बेस, ठीक है यहाँ मैंने ले लिया बेस 1, और राइट एंगल बनाना है तो 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा यहाँ पर हमें। तो क्या करते हैं हम कंपास की हैंड को हम 0 पर रखते हैं और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज द प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ द एंगल ऑफ 90 डिग्री, बट वी आर यूजिंग कंपास फॉर बेटर रिजल्ट्स। ओके तो हमने क्या किया एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, अब हमें पता है कि 90 डिग्री एंगल कैसे बनाते हैं, फिर भी हम सीख रहे हैं। एक बार हमने क्या किया यहाँ से क्या बनाया एक आर्क कट किया, फिर एक और आर्क कट किया, इन दोनों आर्क के मिड से एक एक आर्क और कट किया, एक यहाँ से कट किया और एक यहाँ से कट किया, और इन आर्क को इससे क्या कर दिया मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो आर्क से जो बना है नया एंगल से क्या कहते हैं हम 90 डिग्री का एंगल कहते हैं। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा, फिर समझ लेते हैं इसको दोबारा। सबसे पहले क्या किया मैंने 1 सेंटीमीटर का बेस लेकर इस 0 यानी कि O पॉइंट पर हमने क्या किया 90 डिग्री का एंगल बनाया विद द हेल्प ऑफ कंपास। अब क्या करते हैं हमें लेना है परपेंडिकुलर कितना 2, अगर 1 मैंने नॉर्मली स्केल से लिया है तो 2 सेंटीमीटर का स्केल क्या कर लेंगे हम पर कंपास को ओपन कर लेंगे और यहां से एक आर्क कट करते हैं, तो ये आर्क बाय चांस मेरा यहां कट हो गया। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि किसी का आर्क तो इस आर्क के ऊपर कटा है, किसी का आर्क इसके नीचे कटा है, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके इस कंपास इस सर्कल की रेडियस पर, और ये रेडियस हम कुछ भी ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखें कि रेडियस जब लेते हैं तो ये जो सेमी सर्कल है हमारी कॉपी से बाहर ना चला जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे लिया मैंने 2 सेंटीमीटर का, तो एक पॉइंट यहाँ आ चुका है और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर था, और इन दोनों को जब ज्वाइन करते हैं हम ए और सी को क्या बनता है हमारा रूट 5 यानी कि हाइपोटेन्यूज बनता है। तो मैंने क्या कर देता हूँ इसको यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है वो कितनी है रूट 5 है सेंटीमीटर में, ध्यान रखना दोस्तों, लेकिन हमें इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, हमें यहाँ पर ड्रॉ नहीं करना है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों इसको ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर, तो हमें पता है कि ये तो लाइन है, तो हम क्या करेंगे इसको कंपास की हेल्प से यहाँ पर मेजर कर लेंगे, यहाँ पर मैंने मेजर कर लिया। अब कंपास की हैंड को मैं यहाँ 0 पर रखूंगा और यहाँ से एक आर्क कट कर देता हूँ, जैसे ये आर्क कट हो जाएगा यहाँ पर अप्रोक्सीमेट यहाँ पर एक आर्क कट हो जाएगा। अब इसकी जो वैल्यू होगी इसके कुल होगी इस रूट 5 ही तो है, जितना मेजरमेंट ये था उतने मेजरमेंट क्या होता है ये होगा हमारा, तो ये कितना होगा हमारा रूट 5 होगा।
आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा कि रूट फाइव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। अगर आपको ये समझ नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी नहीं आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दे के जरूर बताएं, ताकि हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। रुकिएगा दोस्तों, अभी तक एक क्वेश्चन आपके लिए रह गया है जिसे हम कहते हैं आपका डी आई वाई। आज आपको एक काम दिया जा रहा है कि हम आपको दे रहे हैं कि जो रूट टू नंबर है, क्या है रूट टू, इस रूट टू को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम आपके लिए इसको हिंट दे देते हैं, आपको यहां लेना है वन और यहां भी लेना है वन, तो क्या बन जाएगा आपका रूट टू। प्रयास कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, स्टे होम स्टे सेफ।